एक बार मेरी बात सुनो ना, तुम सब समझ जाओगी, तुम्हें सब पता चलेगा। एक बार सुनो, मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं, ठीक है? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के खातिर इस वक्त तुम प्लीज चली जाओ, चली जाओ। मेरी बहन, मुझे तुम ऐसे देखते हुए बहुत हसीयत हो रही है। मुझसे बात करो ना, मुझे बताओ, तुम मुझसे बात करो। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। नहीं करनी ना तुमसे कोई बात मुझे। तुम ही तो हो, तुम्हारी शक्ल देख के तो मेरे दिल का दर्द बढ़ जाता है। चली जाओ ना तुम यहाँ से। क्यों नहीं जा सकती, तुम समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? खुदा के लिए चली जाओ। सुन क्यों नहीं रहे हो? चली जाओ, जाओ। ये तो होना ही था। मुझे पहले ही अंदाजा था कि सरफराज ऐसा कुछ कर सकता है। पता नहीं, पर मुझसे फिजा की हालत नहीं देखी जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी कसूरवार मैं हूं। मेरी बेवकूफी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है फिजा के साथ। पुरानी बातों को याद करके खुद को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने कुछ नहीं किया है। सरफराज के दिल में अगर फिजा के लिए जरा सी भी जगह होती ना, तो उसे कभी तलाक नहीं देती। उसने तुम्हारी वजह से तलाक नहीं दिया उसे। वो एक बेहिस इंसान है, अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर उसने ऐसा किया है। लेकिन फिजा को तलाक देने के साथ साथ उसने मुझे भी बहुत बुरा भला कहा है। उसने तो सबके सामने यही जाहिर किया है ना कि वो फिजा को तलाक मेरी वजह से दे रहा है। कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। जबकि हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ का नाम अपनी जुबान पे मत लाना, समझा रहा हूं। नाम क्या है? वैसे तो उसकी हर चीज मेरे फिंगर टिप्स पे है, लेकिन खैर। देखो, तुम अब आए हो उसकी जिंदगी में, और ठीक है, अपने पैसे से तुमने उसे मुतासिर कर दिया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम उसकी जुबान पे था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया। क्यों? फिजा के हवाले से जो हमारा ताल्लुक था वो तो खत्म हो चुका है। हाँ, वो ताल्लुक खत्म हो गया, लेकिन ताल्लुक मैंने सिर्फ इसलिए खत्म किया कि तुमसे एक नया ताल्लुक जोड़ सकूं। क्या मतलब है इस बकवास का? मतलब साफ साफ है, वाजे है कि जो बात मैं कल भी कहता था वो आज भी कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और
तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर फिजा से मैंने शादी की भी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि लोगों का प्रेशर था मेरे पे। डर गया था उस दिन, मैं बहक गया था, कसम खाता हूं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा। फिजा को भी अगर मैंने तलाक दी तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओ। फिजा को अगर मैंने तलाक दी तो एक और लफ्ज कहा तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गार्ड्स, जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। हाँ मेरी बात सुन, लेकर जाओ इसको। हाँ देखो तुम ये चीट नहीं कर रही, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, मुझे ऐसे मत करो, मुझे अपनी जिंदगी से मत निकाल, मेरा बहुत नुकसान होगा। दुआ मेरी बात तो सुन। वाव, ग्रेट परफॉर्मेंस सरफराज। अब गजनवी के सामने चौकीदार और गार्ड को बयान देने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत, यहाँ तक कि मेरा बच्चा सरफराज को मुझे तलाक देने से नहीं रोक पाया, क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे मोहब्बत करता है, और तुम भी।